ग्लोबल भारत समझ खबर की। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत, मैं हूं ब्रिजेश मिश्र। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत आपके साथ। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां मनकापुर से प्रयागराज जाने वाली सरयू एक्सप्रेस ट्रेन की बोगी में अधेड़ का शव मिला है। अधेड़ का शव मिलने की जानकारी यात्रियों ने रेलवे पुलिस को दी। मौके पर पहुंची रेलवे पुलिस शव को अपने कब्जे में ले लिया। मृतक के जेब से उसका आधार कार्ड मिला, जिससे उसकी पहचान सतनू के रूप में हुई और मृतक मूलतः सिद्धार्थनगर के बासी गांव का रहने वाला था। आरपीएफ ने मृतक के परिजनों को इसकी जानकारी देते हुए मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। प्रतापगढ़ में एक बार फिर पुलिस की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। दो दिन से गायब होमगार्ड के बेटे का संदिग्ध परिस्थितियों में गेहूं के खेत में खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामला लालगंज कोतवाली इलाके का है, जहां सगियापुर गांव के रहने वाले बीए का छात्र पीयूष पांडे दो दिन पूर्व लापता हो गया था, जिसकी लिखित शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने गायब छात्र को ढूंढने में दिलचस्पी नहीं दिखाई और मंगलवार सुबह शौच को गए ग्रामीणों ने पीयूष का रक्त रंजित शव देखा तो दंग रह गए। प्रतापगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मानिकपुर और कुंडा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बाइक चोर गैंग का किया भंडाफोड़। चोरी की 13 बाइकें भी पुलिस ने बरामद किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पहले जाल बिछाया और इसी जाल में मानिकपुर थाना क्षेत्र के रहने वाला टॉप 10 अपराधी अंकित पाल अपने साथियों संग पुलिस के हत्थे चढ़ा। ग्लोबल भारत समझ खबर की।